हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दिन आपको स्वागत करता हूँ। दोस्तों, दिसंबर 2023 में होने वाले इंटरम एग्जामिनेशन को लेकर इन्होंने एक नया नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है। आज 20 सितंबर है और अभी थोड़ी देर पहले ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था, जो सभी स्टूडेंट के लिए जानना बेहद ज़्यादा जरूरी है जो भी स्टूडेंट दिसंबर 2023 में एग्जाम के लिए अपेयर करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ कि दिसंबर 2023 में किन किन का एग्जाम होने वाला है। तो दिसंबर 2023 में जनवरी 2023 सेशन के सभी स्टूडेंट का एग्जाम होगा, साथ ही साथ जून 2023 में जिन स्टूडेंट का एग्जाम हुआ था और अगर किसी स्टूडेंट का बैक आ गया, कोई स्टूडेंट फेल था या फिर वो अपने नंबर से सेटिस्फाई था नहीं था और नंबर को इम्प्रूव होना चाहता है, तो वो भी स्टूडेंट इस एग्जाम को अपेयर कर सकते हैं। एग्जाम को अपेयर करने के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म बनना पड़ेगा, जो एंटरम एग्जामिनेशन फॉर्म के नाम से जाना जाता है। पर सब्जेक्ट के हिसाब से आपको फी पे करनी पड़ेगी, जिसके बाद एग्जाम के कुछ दिन पहले आपका एक हॉल टिकट आ जाएगा, जिसके बेसिस पे आप जाकर एग्जाम दे सकते हो। तो अभी मैं इग्नू के ऑफिशियल पोर्टल पे हूँ। जब आप इसको नीचे ड्रैग करोगे तो यहाँ पे अलर्ट कॉर्नर के अंदर में आपको एक लिंक मिल जाएगा, जिसके अंदर में बताया गया कि किस तरीके से क्या एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है। अगर आप उस लिंक पे जाते हो, डायरेक्ट क्लिक कर दो, तो यहाँ पे ये लिंक खुल के आ जाएगा, नया पेज खुल कर आ जाएगा, जिसमें बताया गया कि जो एंटर में एग्जामिनेशन है TEE दिसंबर 2023 के लिए, वो 30 सितंबर तक लास्ट डेट रहने वाली है और 6 बजे तक आप भर सकते हो। मतलब 30 सितंबर 6 बजे तक आप भर सकते हो विदाउट लेट फी, उसके लिए कोई भी लेट फी नहीं पे करनी पड़ेगी। पर आज इग्नू पे साइट के ऊपर में एक नया नोटिफिकेशन रिलीज किया गया एंटर में एग्जामिनेशन को लेकर। जब आप इसको नीचे ड्रैग करोगे कर्जर को, तो यहाँ पे देखोगे न्यूज एंड अनाउंसमेंट कॉर्नर के अंदर में जो एग्जामिनेशन फॉर्म की लास्ट डेट थी उसको एक्सटेंड कर दिया गया। अब नया डेट क्या है, कब तक आपको भरना है, उसके बारे में भी डिटेल से देखते हैं और पुराने डेट को भी देखते हैं। नए नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग में कहा गया कि जो नया डेट है, जो नया डेट आया है, वो 15 अक्टूबर तक के लिए है। आप 15 अक्टूबर तक ODL मोड के या फिर ऑनलाइन मोड के जितने भी स्टूडेंट हैं, वो सभी स्टूडेंट भर सकते हैं विदाउट लेट फी। पहले के नोटिफिकेशन में बताया गया था कि 30 सितंबर तक विदाउट लेट फी 6 बजे तक आपको भरा जाना है एग्जामिनेशन फॉर्म, पर उसी को एक्सटेंड करते हुए 15 अक्टूबर कर दिया गया है। जबकि अभी ऑफिशियल पोर्टल पे कहीं भी इसका अपडेट नहीं आया है, पर नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। नोटिफिकेशन को ऑलरेडी मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहां से जाके देख सकते हो। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया तो डायरेक्टली जाके ज्वाइन कर सकते हो। अब दोनों नोटिफिकेशन को डायरेक्टली डिटेल में समझते हैं, जिससे आपको चीजें जो भी हैं क्लियर हो सके। सबसे पहले मैं बात करूं जो आपका पुराना नोटिफिकेशन आया था, जहां से आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरना था, तो एग्जामिनेशन फॉर्म का पोर्टल है ये। इस पे अगर आप देखोगे तो लास्ट डेट अप्लाई फॉर TE दिसंबर 2023 के लिए 30 सितंबर 2023 6 बजे तक का विदाउट लेट फी का यहाँ पर लाल कलर से प्रॉपर लिखा गया है, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। ये विदाउट लेट फी 30 सितंबर तक जमा होना था। जब आप इसको नीचे ड्रैग करोगे तो प्रॉपर डिटेल में दिया गया है कि कैसे कैसे इसका जो लेट फी लगने वाला था। तो 1 सितंबर को स्टार्ट हुआ था, 30 सितंबर तक अगर आप भरते एग्जामिनेशन फॉर्म को तो कोई भी लेट फी उसके लिए पे नहीं करना था, विदाउट लेट फी आपका होने वाला था और पर सब्जेक्ट के हिसाब से ₹200 जो भी आपका लगना था वो आपको पे करना था। वहीं पर आप 1 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक अगर आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरते तो आपको ₹500 लेट फी पे करनी थी, प्लस में जो भी आपका ₹200 पर सब्जेक्ट जो एग्जामिनेशन फॉर्म देना था वो आपको देना पड़ता। तो यहाँ पे 1 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक ₹500 लेट फी लगने वाली थी। और वहीं पे थर्ड स्टेप के अंदर में था यहाँ पर कि 21 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में अगर आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हो तो आपको ₹1100 की लेट फी पे करनी थी, जिसका डेट अब एक्सटेंड कर दिया गया है। अगर आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरना था तो इसी साइट पे से आपको जाके भरना था। अब अगर नए नोटिफिकेशन को आप देखोगे जो अभी 20 सितंबर को अभी थोड़ी देर पहले ही रिलीज किया गया, जिसके बारे में इस वीडियो के अंदर में हम बात कर रहे हैं, तो इस नोटिफिकेशन के अंदर में बताया गया कि अगर आप एग्जामिनेशन फॉर्म को भर रहे हो तो विदाउट लेट फी आप 15 अक्टूबर तक भर सकते हो, जिसकी डेट पहले 30 सितंबर थी, जिसको एक्सटेंड करके 15 अक्टूबर कर दी गई है। और लेट फी ₹500 लेट फी के साथ में आप 16 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक भर सकते हो, और लेट फी ₹1100 के साथ में 26 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक भर सकते हो। मतलब आपके पास 10 नवंबर तक का टाइम है, अगर आप लेट फी देकर भरना चाहते हो तो 10 नवंबर तक भरते हो, 26 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर के बीच में, तो ₹1100 लेट फी पे करना पड़ेगा। वहीं पर 16 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर के बीच में भरते हो तो आपको ₹500 लेट फी पे करना पड़ेगा, और विदाउट लेट फी आप 15 अक्टूबर तक भर सकते हो। यहाँ पे मेरी तरफ से जो दिन के ऊपर मैं पढ़ाता हूँ, नॉर्मली आप जानते हैं मेरी वीडियोस को देखते हैं, तो मैं सभी व्यूवर से रिक्वेस्ट करूंगा जो भी दिसंबर 2023 के लिए एग्जाम देने वाले हैं, आप कभी भी लेट लास्ट डेट का वेट ना करें। लास्ट डेट पे क्या होता है कई बार कि साइट बहुत ज्यादा रशफुल होती है, आप नहीं ले पाओगे, दिक्कत होगी और आगे डेट बढ़ेगा, इसका कोई उम्मीद नहीं रहता हर बार, ठीक है। तो कभी भी लास्ट डेट का वेट ना करें। दूसरी चीज़ ये कि अगर डेट एक बार निकल जाती है तो आपको लेट फी भरना पड़ेगा, ज़्यादा प्रॉब्लम होती है लेट फी भरने में, ठीक है। तो लास्ट डेट का वेट ना करें और टाइम से जो भी जहाँ पे भी जिस भी एग्जामिनेशन सेंटर में आपको एग्जाम देना है उसको अगर स्टार्टिंग में आप चूज करोगे तो उसकी जितनी भी कैपेसिटी आपको पहले ही वो एग्जामिनेशन सेंटर अलॉट कर दिया जाएगा।
अदरवाइज क्या होता है कि लास्ट में अगर आप चूज कर रहे हो वो एग्जामिनेशन सेंटर की जो कैपेसिटी वो फुल हो चुकी है, तो बिना बताए आपको, बिना कोई नोटिफिकेशन के, आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो चेंज कर दिया जाएगा, कहीं और दूसरी जगह भेज दिया जाएगा। तो जो भी आप एग्जामिनेशन सेंटर चूज करना चाहते हो स्टार्टिंग में ही चूज करें, जिससे आपके साथ में इस तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। कई बार क्या होता है कि नया नया एग्जामिनेशन सेंटर में भेज देने से प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जब आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हो, आप उस एग्जामिनेशन सेंटर को नहीं जानते हो, तो थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि किधर बैठना है, क्या सिटिंग एरिया है, क्या चीज़ है, तो वो भी थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। तो अगर आप पहले से किसी एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में जानते हो कि यहाँ पर ये एग्जाम होता है, यहाँ पर आप दे सकते हो, तो उसी को चुने जो आपके लिए बेटर हो, ठीक है? ये सब समझ में आता है। अगर कोई स्टूडेंट भरना चाहता है एग्जामिनेशन फॉर्म, अगर अभी तक नहीं भरा है तो कैसे भर सकता है? तो डायरेक्टली इग्नू की साइट पर आना है। साइट पर आने के बाद यहाँ पे अलर्ट कॉर्नर के अंदर में जो लिंक दिख रहा है, इस लिंक पे जब आप क्लिक करोगे तो एक नया पेज खुलकर आ जाएगा कुछ इस तरह से। इस पेज के ऊपर मैं क्लिक करके, अभी तक तो ये यहाँ पे अपडेट नहीं किया गया 30 सितंबर का, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले नोटिफिकेशन आया है, शायद कल तक मैं अपडेट हो जाएगा ये लास्ट डेट का, जो भी अभी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर में बताया। तो अगर आपको अप्लाई करना है तो नीचे आप ड्रैग करोगे, नीचे ड्रैग करने के बाद में प्रॉपर कुछ डिटेल्स दी गई हैं, गाइडलाइंस दी गई हैं, आप उस गाइडलाइंस को स्टडी कर सकते हो, जिससे आपकी चीज़ें अगर कहीं पर डाउट हो, कुछ कन्फ्यूजन हो, तो वो भी आप उसको क्लियर कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लिक करके आगे आप प्रोसीड कर सकते हो, ठीक है? अगर आपने ऑलरेडी भर रखा है और आपको आइडिया नहीं है, या किसी और ने भर दिया आपका, तो यहाँ से भी स्टेटस जाके आप चेक कर सकते हो कि आपका हुआ या नहीं हुआ, ठीक है? यहाँ पे आप चीज़ें चेक कर सकते हो। जो आपकी हॉल टिकट आएगी वो एग्जाम से 7 दिन पहले आएगा, तो जिस भी डेट को आपका एग्जाम होना है, अगर मान लो जैसे तो एग्जाम आपका 1 दिसंबर से स्टार्ट है, पर आपके दोस्त का एग्जाम 1 सितंबर से है, तो उसका एग्जाम का जो एग्जामिनेशन हॉल जो टिकट आएगा ना, हॉल टिकट आएगा वो 1 सितंबर से 7 दिन पहले आएगा। पर वहीं पर आपका एग्जाम अगर 10 सितंबर से स्टार्ट है, तो आपका 3 सितंबर तक में हॉल टिकट आएगा। तो ये भी वेट ना करें कि यार उसका हॉल टिकट आ गया, मेरा हॉल टिकट नहीं आया, तो इसके लिए बेफिक्र रहें। जिस डेट पे आपका एग्जाम स्टार्ट होगा उससे 7 दिन पहले आपको हॉल टिकट मिलने वाला है। कहाँ पर आपका एग्जामिनेशन सेंटर पड़ेगा ये भी आपको उसी हॉल टिकट के अंदर में उस समय पता चलेगा। तो चलिए यहाँ पर मैं वीडियो एंड करता हूँ। अगर किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो, कुछ भी चीज़ें हैं आपके मन में, कोई क्वेश्चन रेज करना चाहते हो, तो आप कमेंट करके रेज कर सकते हो। इवन डिस्क्रिप्शन में सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक्स दिए हुए हैं, वहाँ से डायरेक्टली जाके ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे भी अपने क्वेश्चन मुझसे रेज कर सकते हो। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।